ऐसे हुई थी हनुमान जी की मृत्यु। कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पहुँचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्री राम के सेवक है। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत गए, श्री राम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वह भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है। हनुमान को ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति ने बताया कि हनुमान जी की बिलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव दुखी हुए। सृष्टि में वायु का संचार रुक जाने से जीवों के प्राण संकट में आ गए। यह स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वह सभी उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर ले। इसके बाद कथा मिलती है कि सभी देवता बिलंका गए और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान की 6 माह के बाद फिर से जीवित हो उठे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि हनुमान जी की मृत्यु के बारे में जानकारी आप लोग को मिल चुकी होगी कि हनुमान जी की मृत्यु हुई थी। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी कहानी के साथ। धन्यवाद।